तो दोस्तों आज मेरे पास अभी है एक्टिवा 6G, जिसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। गाड़ी चली हुई है 6631 किलोमीटर चली हुई है। अभी इसमें चेक इंजन लाइट आ रही थी, मैंने उसको डायग्नोस किया। ये हमारा जो OBD1 कनेक्टर है उससे, तो चेक इंजन लाइट तो चली गई है, हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। यहाँ से देख सकते हो आप, किक से स्टार्ट हो रही है लेकिन सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों हम पहले बैटरी चेक करते हैं कितना वोल्टेज बता रही है, और बाद में ऐसा लगे तो पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं फिर बैटरी चेंज करेंगे हम लोग। तो अब मल्टीमीटर को करते हैं ऑन। अब रखते हैं 20 पर। ये वोल्टेज है हमारा, DC वोल्टेज यहाँ पे चेक होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे DC वोल्टेज, तो बैटरी में कितना वोल्टेज दिखाई दे रहा है मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो आप कितना वोल्टेज दिखाई दे रहा है, 8.22 वोल्टेज दिखाई दे रहा है इसमें। और हमारी गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए 12 वोल्ट पूरा होना चाहिए, 12 वोल्ट पूरे होने चाहिए। अभी इसमें कम है तो पहले हम बैटरी नई वाली बैटरी लगाते हैं और बाद में दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों हमने नई बैटरी ऐड कर दी है, अब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। चाबी ऑन की। देखिए दोस्तों हमारी बाइक स्टार्ट हो गई, इसमें प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, इसमें प्रॉब्लम बैटरी का ही था, तो बैटरी हमें चेंज करनी पड़ेगी और कोई दिक्कत है नहीं इसमें। तो दोस्तों इस बाइक में बैटरी प्रॉब्लम था वो हमने सॉल्व कर दिया है, बैटरी नहीं ऐड कर दी है। और जो चेक इंजन लाइट आ रही थी उसको, जो एरर कोड आ रहा था उसको भी क्लीन कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में 2 घंटी है उसको भी बजा दीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसे ही BS6 BX4 सभी बाइक को वीडियो अपलोड करता रहता हूँ तो आपको कुछ नया जानकारी मिल जाएगी, कुछ सीखने को मिल जाएगा। और प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।